हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की 6:30 बजे से। और व्लॉग मैंने वैसे बना रखे हैं थोड़ा 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 क्लिप्स करके, लेकिन सोचा कि पहले वो व्लॉग की स्टार्टिंग आज कर लेते हैं। मतलब आज के दिन से कर रही हूँ व्लॉग शूट, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग कर रही हूँ। बाकी आगे के जो पार्ट मिलते रहेंगे आपको, वो कोई किसी दिन के हैं, कोई किसी दिन के हैं, लेकिन मैंने साथ में एक साथ अटैच करके, ऐसे लगेगा नहीं कि किसी किसी दिन के हैं, साथ के ही लगेंगे। तो इसलिए भी और कुछ तो एक दो और चीजें हैं जो मेरे को बतानी है व्लॉग में कि हाँ, चार दिन हो गए हैं लगातार घर की पुताई वगैरह में। तो उससे क्या है ना कि बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया कि एकदम अगर लेट रहे हैं तो बस लेटे रह जा रहे हैं। तो इसलिए भी कुछ वो थकावट सी हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि व्लॉग शूट करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं क्लिप्स ले रही हूँ बीच बीच के, इसलिए आगे पीछे तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि पता है मुझे कि कौन किस दिन का है, तो इसलिए अटैच करती गई। बाकी आप व्लॉग्स देखें, प्यार दें, सपोर्ट दें, तब तक आप व्लॉग को कंटिन्यू देखें। और मैं दूसरे व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे को फिर व्लॉग और भी डालने हैं। ऐसा नहीं कि यही व्लॉग है, अब और भी व्लॉग डालने हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयारी श्यारी कर लेते हैं व्लॉग के लिए। तो चलिए अभी नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। वैसे पता है आजकल हमारे घर में चूहे भी हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बाहर से चूहे आ गए। तो एक चूहा है जो बहुत परेशान कर रहा है, मैं कब से वो ढूंढ रही हूँ। वो था ना चूहेदानी पकड़ने वाला, वो ढूंढ रही हूँ, वो मिल जाए बस एक बार। तो वो चूहा हमें मारने में ना अच्छा नहीं लगता है, किसी चीज को मार के क्या फायदा है ना। तो इसलिए हम उसको चूहेदानी में रखेंगे और छोड़ के आ जाएंगे। देखो अभी भी आवाज कर रहा है, मैं उसको कब से ढूंढ रही हूँ। अभी मैंने जाते हुए देखा, ब्लॉग बना रहे थे तो इधर जाते हुए देखा, तो इसलिए मैं पहले उसको बाहर भेजती हूँ, तो कपड़े खा जाएगा यार हमारे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं ये पेंट चेंज करवाने के लिए, दूसरा लेके आएंगे अभी। ये है हमारा तीसरा दिन पेंट का, तीसरा दिन है और ये दूसरे वाले रूम में लग रहा है। और अभी तो भैया ने हल्की फुल्की करी है, अभी कल दोबारा होगा इस रूम में, लेकिन उसके लिए भी क्या है, इतना मैं साफ कर रही हूँ। देखो ये सारा मैं साफ कर रही हूँ, इधर से उतना तक मैंने साफ कर दिया, अब इधर का रह गया है। क्योंकि अगर इसको छोड़ेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा टाइम तक पक्के हो जाएंगे, तो फिर इनको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं साथ के साथ इसको निकाल रही हूँ। तो अभी सारा का सारा टाइम जो है इसी में चला जा रहा है। देखो कितनी गंदगी हो रही है अभी। तो ये सारा जब ये पूरा हो जाएगा बताइए, उसके बाद दिखाऊंगी आप सभी को कि कैसा लग रहा है। फिलहाल तो घर का इतना काम हो रहा है, ओवर काम हो रहा है। ये देखिए सारा। दोस्तों ये है हमारे ताऊ जी, देखिए अपने हेल्थ की बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए अब इनको देखना, अभी तो काम करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज कर रहे थे। ये देखिए
तो ये होते हैं कुछ लोग जो अपनी हेल्थ के इतने ध्यान रखते हैं, और ये होते हैं आजकल के बच्चे जो इतने आलसी होते हैं। सही में ना, आजकल के बच्चों को कुछ भी टेंट सैक कुछ भी बोल दो ना, कालू इसको देखना ये कहाँ चढ़ा हुआ है बिस्तरों के बीच। बैठो, मम्मी तुमने तो बाल बनाए, नानी तो बिल्कुल टिच मिच लग रही है। आ नानी जा रही है। आज क्या बार है? कल चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग। नहीं बोलो, ऐसा बोलो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मोर। नहीं नहीं अभी मैं बुलाती हूँ नानी से, मोर निंग। हाँ सही, आप बोल तो दिया। गुड मॉर्निंग। ये अच्छा रास्ता नहीं बोला कहीं होना या तो टाइम लगेगा तो दिन में देख लूंगा, अगर मिल गया तो ठीक है। पंची पंची में नहीं है हमारे पास में जाते भैया। तो दोस्तों आज मेरी नानी भी चली गई है, और हमारे एक तो ये वाला रूम जिसमें कि मैं और मेरी बहन सोती थी, तो इस वाले रूम में भी पुताई हो चुकी है, और दूसरे वाले रूम में भी कलर हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो है मैंने इस रूम को भी चकाचक कर दिया, और नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कैसा लग रहा है ये रूम। तो मैंने जो है पर्दे भी चेंज कर दिए हैं, जो पुराने वाले थे उनको फेंक दिया, क्योंकि काफी साल जब हम नहीं भी तो रहे होंगे, शायद मैं 10th क्लास में रहूंगी तब के पर्दे चल रहे थे, तो मैंने अब निकाल के रखे भी गए हैं। बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे वो, और बहुत मतलब पुराने भी हो गए थे, तो काफी टाइम से वो यूज कर रहे थे, तो फिर वो चेंज कर दिए हैं। बाकी कल के व्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि कैसे लग रहे हैं। और कल आज जो है भैया लोग नहीं आए थे काम करने के लिए, इसलिए हमने थोड़ा साफ सफाई कर दी ये वाले रूम की, दूसरे वाले रूम की तो साफ सफाई हो गई हमारी। और अभी दादा के कपड़े हैं तो ये मैं ऊपर दे के आ रही हूँ। तो ये हैं दादा के कपड़े जो कि मैं ऊपर देके आ रही हूँ, काफी टाइम से यही हैं। और दादाजी के इतने कपड़े हो गए थे तो ये कपड़े मैं ऊपर देके आ रही हूँ, क्योंकि हमारे ताई जी लोग भी आ चुके हैं तो उनको देके आते हैं। तो कालू को देखिए, ये हमेशा इस कमरे में आता है, ये तो उस कमरे में अगर उसको इंसान नहीं दिखेंगे ना तो वो इस वाले रूम में आ जाता है, तो इसकी यही शैतानियां रहती है, कभी इधर कभी उधर। नहीं देखो अब वो दरवाजे के सामने खड़ा होने को जा रहा है कि ये दरवाजा खुलेगी मेरे लिए, जाइए।
अभी देखो इस रूम में भी ना हल्के 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 आपको वो दिखेंगे पेंट के, वो ढंग से साफ नहीं हुए हैं लेकिन हो जाएंगे धीरे धीरे। जाओ अब जाएगा नहीं। हो गया खाना मम्मी? चलो फिर गुड नाइट बाय। तो दोस्तों आज नहीं, दो दिन, तीन चार दिन हो गए हैं पूरे कमरे में पुताई होते होते, जो पेंट लगाया उसको होते होते। और उस दिन तो मुझे बिल्कुल थकावट नहीं लग रही थी काम करते करते, लेकिन आज भैया ने गैप किया ना, तो मतलब कि आज आए नहीं, वो बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आए, रिमझिम ही पड़ रही थी बारिश, इतनी तेज तो नहीं पड़ी लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बिल्कुल हल्की सी, लेकिन वो आए नहीं। तो इससे क्या हुआ ना कि आज मुझे इतनी थकावट लग रही है, इतनी थकावट लग रही है, आंखों में भी नींद है, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, ऐसा बना हुआ दर्द ही दर्द बना हुआ है। तो आज के व्लॉग को मैं इतना ही रखूंगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय।